कैसे जी पाएंगे हमारे विकलांग जन एक रोजमर्रा की जिंदगी। जाने अनजाने हमने ऐसी बाधाएं डाल दी उनके सामने कि एक नॉर्मल जिंदगी जीना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। सत्यमेव जयते के एक एपिसोड में विकलांग जनों की रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों पर बात हुई थी। एपिसोड से प्रभावित होकर ग्वालियर के कलेक्टर श्री पी नरहरी ने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। सत्यमेव जयते के कार्यक्रम के पश्चात ग्वालियर जिले में स्कूलों में, अस्पतालों में, सार्वजनिक जगह जैसे बस स्टैंडों पे हमने बाधा रहित वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया। पहले जब मैं पोस्ट ऑफिस आती थी तो मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि सीढ़ी होती थी तो मैं जा नहीं पाती थी और मुझे बाहर बैठ के हमेशा दूसरे का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन जब से ये रैंप हुआ है मुझे बहुत सुविधा हो गई है। अब मैं किसी भी टाइम आकर अपना सभी काम आराम से कर सकती हूँ। हमारे सब क्लासरूम से लेकर बाथरूम तक सारी जगह पर रैंप की सुविधा है, जिससे हमें स्कूल में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कलेक्टर द्वारा सरकारी मुहिम चलाई गई है वो हम जैसे विकलांग लोगों को बहुत सक्षम बनाती है और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आज हम देखते हैं कि हमारे 95% से अधिक स्कूल अस्पतालों में बाधा रहित वातावरण निर्मित हो चुका है। इंसानियत के एग्जाम में एक शहर देश में फर्स्ट आया 95% के साथ। मुमकिन है।